नमस्कार। अध्ययन के अगले प्रक्रम में हम अध्ययन करेंगे कि लैंग्वेज स्किल क्या होती है। ये हिंदी में भी होती है और आपके संस्कृत में भी होती है और इंग्लिश में होती है। स्पेशली हम इंग्लिश के लिए यहाँ पर लैंग्वेज स्किल को पढ़ रहे हैं। और लैंग्वेज स्किल में जो आपके जो भाग किए गए हैं उसके, वो मुख्यतः दो भाग हैं। एक है रिसेप्टिव, दूसरा है एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो आप रिसीव करते हैं खुद में, जैसे आप चीज़ों को का अधिगम करते हैं, वो एक प्रोसेसिंग होती है और उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग के थ्रू जो होके आपका स्किल जाता है वो होता है रिसेप्टिव। और एक्सप्रेसिव स्किल वो स्किल होते हैं जो आप दूसरों से एक्सप्रेस करते हैं। अब जैसे हम देखेंगे, रिसेप्टिव में आपके होते हैं लिसनिंग और रीडिंग। जब आप सुनते हैं कोई चीज़, तो कान के जो संवेदना है उसके थ्रू आपके मस्तिष्क तक कोई सूचना जाती है। दूसरा, जब आप पढ़ते हैं तब भी आपके नेत्रों के थ्रू क्या होता है, सूचनाएं आपके मस्तिष्क में जाती। तो दोनों क्या है, रिसेप्टिव। और एक्सप्रेसिव जो आपकी स्किल है वो है स्पीकिंग और राइटिंग। बोलते हैं तो वो दूसरे से एक्सप्रेस होता है। राइटिंग आपकी जो होती है, जो लिखते हैं, अगर आप तो खुद जानते हैं लेकिन लिखते हैं तो वो दूसरा कोई पढ़ेगा तो वहाँ पे भी एक्सप्रेसिव होता है। तो ये आपकी चार मुख्य स्किल होती हैं। फिर आप देखेंगे एक एक जो स्किल है उसके क्या मुख्य पॉइंट है। हम यहाँ पे शॉर्ट में बहुत अध्ययन कर रहे हैं, तो देखेंगे लिसनिंग से आपका जो लिसनिंग स्किल है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं आपके। ऐसे अगर कोई चीज़, ऐसा प्रश्न आपके सेक्शन में पूछ लिया कि लिसनिंग स्किल्स की क्या क्वालिटी है या किस लिए करते हैं, तो आप देखिए पहले तो ये ओरल होती है लिसनिंग। देखिए शाब्दिक रूप से आप इसको ग्रहण करते हैं। फिर ये जो होता है रिलेटेड विथ हियरिंग, मतलब आप सुनते हैं, सुनने से रिलेटेड है आपकी जो लिसनिंग होती है। फिर है आपका, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, स्पीच, रिदम, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन। जो आपकी प्रोनाउंसिएशन, मतलब जैसे वाटर और वाटर, तो बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। वाटर अगर ऐसे कोई बोलता है तो ये प्रोनाउंसिएशन भी आप क्या, आप लिसनिंग से ही सीखते हैं। रिदम, जो आपकी रिदम होती है म्यूज़िक में, वो भी आप लिसनिंग से ही सीखते हैं। स्पीच कैसे देनी, ये भी आप लिसनिंग से ही सीखते हैं। फिर देखिए ये कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव मतलब फेस टू फेस, और इसमें एक और चीज़ आता है जैसे टेलीफोन से तो इंटरैक्शन होता है जिसमें, वो आपका इंटरैक्टिव लिसनिंग होती है। और अगर आप नॉन इंटरैक्टिव की बात करें तो वन वे होता है, मतलब जो मतलब यहाँ बोलने और सुनने दोनों तरफ इंटरेक्शन नहीं होता, ये वन वे होता है। अब इसके कई स्ट्रेटजीज हैं, टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे, बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर, मेटाकॉग्निटिव, अर्थात बहुत सारे इसके स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम क्या करते हैं, लिसनिंग की स्किल को डेवलप करते हैं। अब देखते हैं दूसरी स्किल हमारी कौन सी है। दूसरी स्किल है रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना। पढ़ना जो स्किल है वो रिटन होती है, अर्थात जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो आप पढ़ते हैं। कोई चीज़ कोई कह रहा है वो आप नहीं पढ़ते, वो आप सुनते हैं, लेकिन कोई चीज़ रिटन है वो आप पढ़ते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, जो रिटन है जो पेज पे, उसको डिकोडिंग करते हैं। जैसे आप उर्दू नहीं जानते तो उर्दू की चीज़ों को डिकोड नहीं कर पाएंगे, आप नहीं जानेंगे क्या लिखा, या आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो आप उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप उसको डिकोड कर लेंगे वहाँ पे और तुरंत बता देंगे कि क्या यहाँ पे लिखा है। तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे तब ना। फिर डिकोडिंग ऑफ प्रिंटेड सिंबल, जो प्रिंटेड सिंबल होते हैं उनकी डिकोडिंग क्या होती है, आपकी रीडिंग होती है। फिर है प्रोड्यूसिंग साउंड। अब इसमें जो रीडिंग होती है उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, चाहे वो आप बोल के पढ़े या मस्तिष्क पढ़े, कहीं ना कहीं जब अब तक आप पढ़ते हैं आपके दिमाग में एक रिदम चलता रहता है जो भी आप पढ़ते रहते हैं। इसमें विजुअलाइजिंग कंक्रीट आइडिया और सेंस, ये विजुअलाइजेशन है किसका, मूर्त जो आपके विचार होते हैं या जो सेंस होता है मूर्त चीज़ों को, अर्थात उसी को हम पढ़ेंगे। जो मूर्त है, जो नहीं है उसको हम नहीं पढ़ सकते। तो जो सेंस डेवलप होता है कंक्रीट मस्तिष्क में, वो
किसके द्वारा होता है? रीडिंग के द्वारा। फिर इसमें कई आपकी चीज़ें हैं, जैसे लाउड कितने प्रकार का होता है। लाउड होता है मतलब आप जो आवाज़ के साथ तेज तेज बोलते हैं, सश्वर वाचन आपने सुना होगा। साइलेंट मतलब मौन वाचन आपने सुना होगा। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, किसी एक चीज़ के विभिन्न भागों का अध्ययन, जैसे कोई टेक्स्ट है उसको पूरा कहानी को पढ़ना। इंटेंसिव एक्सटेंसिव मतलब जैसे आप एक सार रूप में ग्रहण कर लेते हैं। एक्सटेंसिव मतलब जैसे आपका न्यूज़पेपर होता है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। फिर अब हम तीसरे स्किल के पे जाएंगे, वो है आपकी स्पीकिंग। स्पीकिंग स्किल भी ओरल होती है, ठीक है। स्पीकिंग स्किल आप एक्सप्रेसिव आपकी जो टेक्निक्स है उसके बारे में अध्ययन करें, जो एक्सप्रेस करते हैं दूसरों से, ये ओरल होती है। इसमें वोकैबुलरी, लर्निंग, रीडिंग और राइटिंग तीनों को ये इफ़ेक्ट करती है स्पीकिंग। इनसे ही आप बोल पाते, जैसे बोलना शुरू करते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, सार्थक और निरर्थक दोनों, तो सार्थक सीखते हैं तो बोलते हैं, निरर्थक तो आपके मुँह से साउंड निकलती है। तो ये सब आपस में कोरिलेट होते हैं सारी स्किल्स। तो यहाँ पे हर चीज़ को प्रभावित करता है स्पीकिंग। अगर आप बहुत अच्छा वो मतलब रीड भी कर ले रहे हैं लेकिन आपको बोलना नहीं आता, तो फिर वो आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा फोकस भी स्पीकिंग पे दिया जाता है। अगर आपको हिंदी का व्याकरण आता है लेकिन हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते तो कहते हैं कि ये इसे बोलना नहीं आता, ठीक है। तो वो स्पीकिंग आपकी स्किल होती है। फिर इसमें जो होता है वर्बल लिंग्विस्टिक लर्निंग होता है, मतलब आप जो शाब्दिक भाषाई जो अधिगम है इसके अंतर्गत होता है, तभी आप क्या कर सकते हैं स्पीकिंग। आपको थोड़ा बहुत ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए और आपकी जो मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता है वो भी होनी चाहिए, इससे आप स्पीकिंग सीखते हैं। फिर ये इंटरैक्टिव होती है, स्पीकिंग जो होती है इंटरैक्टिव होती है, पार्शियल इंटरैक्टिव होती है और नॉन इंटरैक्टिव। तीन प्रकार की स्पीकिंग आपकी होती है, इंटरैक्टिव, पार्शियली इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव डायरेक्टली फेस टू फेस अगर आप बोलें, ऐसी स्पीकिंग जैसे फ्रंट में कोई बोल रहा हो। पार्शियली इंटरैक्टिव जैसे मैं लेक्चर दे रही हूँ और आप भी बोल सकते हैं लेकिन पार्शियली आप बोलते हैं, ज़्यादातर चीज़ें मेरी होती हैं, तो वो पार्शियली इंटरैक्टिव। नॉन इंटरैक्टिव जैसे रेडियो, वैसे तो बोला यह जाता है कि जिसमें फीडबैक नहीं दे पाते, एक ही साइड से होता है वन वे, वो नॉन इंटरैक्टिव। लेकिन आप जानते हैं कि काफ़ी ऐसी चीज़ें आपकी हैं जिसमें फीडबैक दे सकते हैं, तो उनको छोड़ के बाकी सब नॉन इंटरैक्टिव। नेक्स्ट और लास्ट जो स्किल है हम जिसका अध्ययन करेंगे वो है रिटन या राइटिंग। राइटिंग स्किल ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग स्किल होती है। जैसे आपको कोई चीज़ बोला गया, अब आप उसमें देखेंगे कि ये कहाँ लिखा था, कैसा, वो आप एक स्कैन किए होंगे, जब क कैसे लिखते या ए कैसे लिखते, तो वो स्कैन किया हुआ आपके दिमाग में आता है। उसके बाद आप हाथों की कलाओं से उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक पेज पे। तो राइटिंग सबसे क्रिटिकल आपका लैंग्वेज स्किल होता है। इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड से सीखते हैं, मतलब एक किसी चीज़ को लिखना एक ब्रेन स्टॉर्मिंग पूरा प्रोसेसिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग थॉट एंड गिविंग प्रसिशन, आप यहाँ देखिए चीज़ों को इकट्ठा करना और उसको एक्सप्रेस करना, ये एक्सप्रेसिव हेतु है, ये इस राइटिंग के अंतर्गत आता है। फिर इसमें कई प्रकार से हम सीखते हैं, जैसे लेटर स्टाइल और यूनिफॉर्मली, मतलब बहुत सारे तरीके से हम सीखते हैं इसमें कई पोर्शन को, जैसे कितने प्रकार से लिखते हैं, तो लिखने का ए कई प्रकार से हम लिखते हैं, बी कई प्रकार से, तो ये भी होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, जो हमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए, किस प्रकार से कैसे लिखना चाहिए, फर्स्ट बड़ा, फिर उसके बाद छोटा छोटा, तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। सीखने की विधियाँ भी होती है, जैसे ओवर राइटिंग, किसी चीज़ जैसे बिंदी बिंदी किया उसको पूरा भर दें, या किसी चीज़ की ओवर राइटिंग करें, ड्रिल करें, मतलब अभ्यास करें, कॉपी करें। तो ये आपके प्रमुख कुछ स्किल्स हैं जिसका अध्ययन हमने आज किया रिवीजन के थ्रू, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा आपका ये टॉपिक है। तो हमने यहाँ पे रिवीजन किया लास्ट मोमेंट में कि कैसे हम लैंग्वेज की स्किल डेवलप करते हैं, क्या है ये और कैसे हमें बच्चों के अंदर ये और ज़्यादा परिमार्जित करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी नहीं समझ में आ रही तो आप उसको 480p पे करके देख सकते हैं।